अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? दुआ खरीय। साढ़े वेखते पे यूट्यूब चैनल शफकत बिलोग, तो मैं थोड़ा अपना शफकत। जो दोस्त साढ़े चैनल से नए हैं, जल्दी जल्दी साढ़े चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर आने वाली वीडियो जी साड़ी जल्द अज जल्द पहुँचे। तो सारे दोस्तों मालूम है साढ़ा जोड़ा चैनल है पोल्ट्री के मुतलक है, पोल्ट्री के मुतलक मालूम देने वास्ते। तो शुरू करते हैं अब अपना टॉपिक, चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। जी भाई जान, जैसा कि टॉपिक है साढ़ा अज का जनाब जी, पोल्ट्री के साढ़ा चूजा जी माशाला छे दिन सॉरी सात दिन का चूजा है। सात दिन का चूजे की रूटीन क्यों होनी चाहिए, फीड किस तरह, टेंपरेचर किस तरह, ये सारिया चीज़ों गौर करना चाहिए। नाल मैं थोड़ा यह भी चीज़ दिखा रहा, नमी का अजकल बहुत ज़्यादा इशू है, इतना एक नमी का इशू है जिसकी इंतहा ही नहीं। खास करते नमी तो बहुत ज़्यादा गौर किया करो, एडी नमी चाह रही है जनाब, टेंपरेचर नमी टेंपरेचर 31.62 नमी, 2% नमी साड़ी उत्ते, 2% 2% तो कोई गल नहीं, 2 चार पॉइंट हेठ उत्ते, ना परसेंट नहीं कह सकते पॉइंट 2% उत्ते, 2-3 पॉइंट हेठ उत्ते होंदी रहिंदी नमी। लेकिन कोशिश की करो कि थोड़ा जो माहौल इस तरह का माहौल हो चूजा, जिस तरह दौड़ रहा चूजा, नमी का अच्कल बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा इशू है नमी का। तो नमी दे ते फोकस करो लाजमी, क्योंकि ये फलाह जड़े IBH9 बहुत ज़्यादा और CRD के फलाह के इन्हें बहुत ज़्यादा कवरिंग की करो। कोलियाँ की थोड़ी बेहतरीन सफाई हो प्रॉपर, जिस तरह चूजा हम सा पानी पी रहा, मैं वेखे लैण के नाल लग गया पानी, प्लेट खड़काई चूजा दौड़ता पता है। इस तरह थोड़े अंदर शेड के माहौल हो, वेंटिलेशन प्रॉपर थोड़ी मिले चूजे, ताकि चूजा थोड़ा एक्टिव रहे, और चूजा माशाल्लाह थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। और छे सात दिन के चूजे की रिक्वायरमेंट ये करनी चाहिए है, सात दिन तक फीडा तो फीड लैना, फीड ना पाओ, प्लेट पाओ, इन्हें जितनी खुली फीड दोगे उतना एक्टिव रहेगा। और साड़ी फीड जनाब नैशनल है, चिक्स साढ़ा साबिर है, सॉरी या साबिर, तो असं हमेशा वैसे साबिर चिक्स ही पहने, साबिर चिक्स बहुत अच्छा और एक्टिव। इस तरह के अगर शेड के अंदर थोड़ा धागे वगैरह नजर आवे, इस तरह के वर्कर को लेबर को खुद चको चक लो, ताकि शेड के अंदर धागे ना जाए, चूजे दिन लत्तां ना लड़ दें, फिर लत्त चूजा वड्डा होंदा, लत्त छोटी रहती, लत्त कटी पैंती है, चौदह जख्मी हो जाता, लंगड़ा हो जाता है। छे सात दिन के चूजे जनाब लिए रिक्वायरमेंट ये होंगी है जनाब, फीड थोड़ा दस दी खुली पाओ, टेंपरेचर जरा सात दिन का 3 पॉइंट के हिसाब ना थले डालो, थोड़ा शेड का टेंपरेचर आ रहा जनाब जी अजकल 33 है ना, तो 7 3 21 यानी 31 8 सॉरी 30 8 टेंपरेचर थोड़ा रिक्वायरमेंट है, चाहिए 38 से टेंपरेचर होना चाहिए, 31 तक चला जाए, 31-2-3 तक कोई गल नहीं, लेकिन 38 तो थले ना लिया, क्योंकि सर्दी से टेंपरेचर थले नहीं आना चाहिए, थोड़ी उत्ते रखो, गर्मी थले रखो, सर्दी उत्ते रखो हल्का जहा। इस वास्ते टेंपरेचर की चीज़ लाजमी गौर करनी है, टेंपरेचर की रिक्वायरमेंट ये हो गई। वाटर जो थोड़ा चल रहा है, वाटर लैंने का बहुत अच्छा ख्याल रखना है, वाटर थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए, सफाई होनी, PH बेहतरीन होना चाहिए, क्लीयर रखो PH, उस वक्त फीड इन प्रॉपर दो, टेंपरेचर थोड़ा दस दिता है। तो और इस तरह चूजे के ना ग्रीडिंग बड़ी अच्छी तसली नाल की करो, चूजे ग्रीडिंग बहुत अच्छी जबरदस्त होनी चाहिए, थोड़ा माहौल प्रॉपर होना चाहिए चूजे, बेहतरीन माहौल होना चाहिए चूजे का, क्योंकि जो जानवर है ना सर्दी का, यह पालना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि इनू वेंटिलेशन अक्सर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम बनती है, तो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम तो ही सारे मसाइल शुरू होते हैं। फीड तुम पाओ जो मर्जी तुम खा लो, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वेंटिलेशन का खास प्रॉपर ख्याल रखो इन फलाकों के, वेंटिलेशन जितनी थोड़ी अच्छी होगी उतना माशाल्लाह थोड़ा बड बहुत अच्छा और हेल्दी और एक्टिव आसी। ए तक्के ने जानवर में एक छोटा जिहा साडा नज़र आ रहा, मैं तुम जूम इट करके दिखा दूँ, ए जानवर ए बिल्कुल बी ग्रेड का, सी ग्रेड तुम कह लो, बी ग्रेड का चूजा, बच गया तो ठीक है, चल जा सी नहीं तो उड़ जा सी, बाकी ए ग्रेड चूजा माशाल्लाह जी, पहले दिन ही चूजा आया तो कुछ ग्रेडिंग कर ली करो, अगर बी ग्रेड इन दोनों रहता करके वक्त पार्टीशन करके उत्थे रख रहे, ज़्यादा टेंपरेचर वाले पास। वेंटिलेशन तो जितनी कवरिंग कर सो उतना थोड़ा बेस्ट फ्लाक आसी, और फीड थोड़ी बेहतरीन रिजल्ट थोड़ा देगी। जो तुम माहौल नहीं दे सकते सर्दियों के, थोड़ा चूजा नहीं पाल सकता, मैं थोड़ा लिख के देना, वेंटिलेशन थोड़ी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन पर गौर करो, ये फ्लाक वेंटिलेशन वास्ते बहुत अच्छे औखे, और नमी बहुत ज़्यादा अप डाउन होनी है, नमी और वेंटिलेशन इस फ्लाक प्रॉब्लम आनी, और बहुत ज़्यादा फ्लाक जो हिट हो सन, हिट होने बराबर डिस्टर्ब हो सन। अगे पोल्ट्री के रेट अप डाउन हो रहे हैं, पोल्ट्री बहुत ज़्यादा मायूस कर रही है, रेट आ रहे हैं फीडा के रेट अप, चूजे का रेट 100+ तकरीबन 100, मेडिसन प्लस उस तो अलावा ब्रूडर थोड़ा हीटर का खर्चा, लकड़ का खर्चा हो गया, या डीजल का खर्चा, यह भी थोड़े उत्ते पै गया। तो इस वास्ते ना थोड़ी कोशिश करो मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना जनाब भाई जान, चूजे ने
एक्टिवेशन हो चूजे सुपरवाइजर खुद चक्कर लावे सुबह शाम शेड के अंदर सवेरे चक्कर लाओ शामी लाओ हर 8 घंटे बाद सुपरवाइजर का काम है हाउस का चक्कर लाना विजिट करना शेड में टेंपरेचर पक्के का सर्कल बनाओ पक्के का थोड़ा सर्कल किस तरह बनाना चाहिए इसकी वीडियो मैं पहले चैनल के उ सारी मौजूद है पहले वीडियो और किसी बाइन पक्के के टाइमर का नहीं पता तो वीडियो उ जाके चेक कर सकता है मजीद अगर कहना तो जना फिर भी थोन जना भी है और उस अलावा जरा हीटर की थोन कल सारिया चीज़ा दस दी हीटर इस तरह हीटर के मुतलिक मैं वीडियो पिछले पा दी वह हीटर इस तरह लाइद है हीटर थोड़ा अगर टेंपरेचर चाहिए थोड़ी रिक्वायरमेंट है जनाब लिए सर्दियों के मैं थोड़ा दस देना हीटर अक्सर लोग भुज रहे हैं हीटर कितने कितने लाइए तो सब तो पहले थोड़े सेंसर की सैटिंग होनी चाहिए थोड़े सेंसर ओके होने चाहिए और हीटर कितने लाना चाहिए हीटर की मालूमात भी थोड़ा दे दी है हीटर इस तरह लाना चाहिए भाईजान कि हीटर थोड़ा टेंपरेचर थोड़ा अच्छा चाहिए ना 38 चाहिए तो तुम हीटर 37 लाओ 6 तो भी ना लाओ 38 चाहिए 36 लाओ 6 तो ला लो तो उस बाद 30 लाओ टेंपरेचर जो पखा थोड़ा 30 ही लगे होना चाहिए 30 प्लस होना चाहिए थोड़ा पखा ताकि पखा जो थोड़ा पूरा पूरा जनाल चलता रहे ऑक्सीजन जी थोड़ा बड़े ताज़ी मिलती रहे ऑक्सीजन ला दी अगर तुम वेंटिलेशन इन्होंने फलाक ना दसो प्रॉपर तो याद रखा दो चीज़ों थोड़ा इस फलाक सामना करना पौसी एक साथ माइक्रो प्लाज्मा का सामना थोड़ा करना पौसी उस अलावा जनाब थोड़ा माइक्रो प्लाज्मा CRD CCRD H9 IV ठीक इन्होंने चीज़ों का सामना थोड़ा करना और सब तो बड़ी चीज़ है कि थोड़े चूहे के अंदर पेट एक पानी बढ़ना शुरू हो वैसे जल्द पानी बढ़ना शुरू हो तो दुनिया की कोई एंटीबायोटिक लैसो कोई भी एंटीबायोटिक लैसो कम ना कर सी फिर देसी टोटके लैसो फिर जनाब लिए मकई मंगवैसो चावल मंगवैसो फिर इस तरह यह सारिया चीज़ा और उस अलावा चूजा जोड़ा ना कोई भी चूजा अगर थोड़े तक दवाई कम नहीं कर रही और इसके अलावा मैं थोड़ा एक होर चीज़ मालूम दे दूँगा कोई वीडियो मेरे ख्याल पिछले साढ़े चैनल पर मौजूद है वो दवाई है कि भाई जान है अडीन वाला चूजा भी अक्सर लोग आते हैं जी फेल हो जाता लेकिन अडीन वाला चूजा नहीं फेल मेरी नज़र अडीन वाला चूजा पल जाता बहुत अच्छा पलता है माशाला लेट हो जाते जितने 36 दे 2 किलो 2100 करता सी हूँ तो फिर फीडा का रिजल्ट जरा बेहतर आने शुरू पिछले फीडा चलिया गई सी जनाब जी 3400 2400 ग्राम 2300 आ जाते 36 दिन से हूँ फिर पिछले 2 किलो 2100 2200 तुर गई लेकिन ये जो थोड़ा चूजा ना जो चूजे ना डीन वाला जाना थोड़े 40 दिन तक जाके 2 किलो करेगा लेकिन अब रिजल्ट थोड़ा बहुत अच्छा दे जाएगा टल्टी भी नहीं करेगा उसको खुलिया उस बारे भी वीडियो एक मैं अपने चैनल पर मौजूद है पिछले पाई हुई है जनाब किसी भाई ने अगर मालूम चाहिए तो वो वीडियो भी तुम ले सकते हो क्योंकि सारिया चीज़ा जी माइक्रो प्लाज्मा पानी जिस टाइम चूजे पै जाता है पानी पै जाए फिर तुम क्या कर सकते हो फिर तुम कापर लैसो सल्फेट लैसो बड़िया बड़िया चीज़ा थोड़ा लानिया पौसन कुलिए लाने पौसन फिर फलाक थोड़े हिट होंगे रासन तो इस वास्ते ना कोशिश करो सब तो बेस्ट मैनेजमेंट पर गौर करो वेंटिलेशन प्रॉपर लो प्रॉपर वेंटिलेशन मैं थोड़ा डेयरी का टेंपरेचर भी दस रहा अच्छ बाद हर नैक्सट वीडियो इंशाला थोड़ा डेली का टेंपरेचर के चलना है थोड़ा वो भी दसना उस बाद पखे की कैलकुलेशन भी इंशाला थोड़ा दस देने पखे की कैलकुलेशन ये भाईजान कि तुम डेली अगर तुम डेली बेस से पखे का टाइमर बधाना घटाना है ना डेली बेस से तुम इवें करो जहाँ तुम्हें पते एक काम कर लो भाई तुम पहले दिन तो 5 मिनट का सर्कल बनाना होता 5 मिनट के सर्कल की बना रहा अगर किसी बाई 5 मिनट के सर्कल बनाने का नहीं पता तो वीडियो मेरे पिछले चैनल पर मौजूद है जाके वेख सकते हो भी 5 मिनट का सर्कल बना लो 5 मिनट के सर्कल के पहले दिन चूजे तुम जनाब 50 सैकेंड आन पखा रख लो 4 मिनट 10 सैकेंड पखा ऑफ रख लो उस बाद डेली का मैं तुम देसी तरीका अपना ला रहा मिनीम कैलकुलेशन नहीं दे रहा थोन देसी एक टोटका दस रहा जिसे थोड़ा ईजी रहो इस डेली का सिस्टम एक डेली 10.1 दिन टेंपरेचर डाउन करने पखे के स्पीड अप यानी कि ऑन टाइम अप करना है ऑफ टाइम डाउन करना है डेली दे एक दिन 10 सैकेंड एक दिन छड़ के दूसरे दिन 20 सैकेंड यह कुलिया तुम जट के तौर पर अगर तुम रख लो अगर थोड़ा प्रॉपर चाहिए कुलिया तो इंशाल्लाह वीडियो मैं चैनल उत्ते मौजूद कर रहा अपलोड कर रहा अवेलेबल हो सी नैक्सट वीडियो भी इंशाल्लाह काफ़ी सारिया वीडियो यार बनाने का टाइम नहीं लगता तो इस वास्ते मदद कर दिया क्योंकि चूजा इस तरह होना चाहिए थोड़ा वेखो माशाल्लाह फीड लैना तो पानी तो इस तरह छोटा चूजा इंशाल्लाह मुकम्मल थोड़ा वीडियो मिलती है रास्ते उम्मीद है साड़ी हर वीडियो थोड़ा जनाब अच्छी लग सी जो साड़ी वीडियो थोड़ा अच्छी लगे तो लाइक करो शेयर करो कमेंट्स करो तो मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो नाल तब तक अल्लाह हाफिज़।